नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बीते साल बालाघाट जिले के लामता नेनपुर मार्ग में मनकोवर नदी पर बना हुआ पुल बह जाने से लोगों की परेशानियां दोगुनी हो गई हैं। एक ओर आवागमन बाधित है तो वहीं दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियों में मरीजों को लाने ले जाने की जद्दोजहद भी बढ़ गई है। जहां पुल के अभाव में हालात के आगे नतमस्तक होकर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं, जिसकी एक तस्वीर भी निकल कर सामने आई है, जो चीख चीख कर बता रही है कि मंत्री रामकिशोर कावरे की विधानसभा क्षेत्र से अब भी विकास कोसों दूर है। तस्वीर में घाट पर लादकर मरीजों को ले जाता वीडियो भी जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो वहीं विकास के दावों की पोल खोलती यह तस्वीर मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे की विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा की है, जहां पिछले साल लामता से नेनपुर मार्ग पर ग्राम घनगरिया में मनकुअर नदी पर बना पुल बह जाने से लोगों की मुसीबतें दोगुनी हो गई। वहीं पुल के बह जाने के बाद लोगों की सुविधा के लिए दो बार डायवर्सन मार्ग भी बनाया गया, लेकिन अफसोस कि वह भी मनकुअर नदी के उफान पर आते ही बह गया। मौजूदा समय में आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है और लोग हालातों के आगे घुटने टेकने को मजबूर हैं।